हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं एक बहुत अच्छे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बारे में। दिस इज़ कोल्ड प्रेस्ड सैफ्लावर ऑयल या कच्ची घानी से तैयार किया हुआ करड़ई का तेल है, तो ऑफकोर्स इसके न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हैं, इसमें से नेचुरल एरोमा वो प्रिजर्व्ड है। अभी सैफ्लावर यानी क्या? सैफ्लावर कम्स अंडर अ सीड वैरायटी। सो सीड्स वैरायटी में आपको सभी को पता है कि सीड्स में ऑयल का यील्ड एनीवेज नेचुरली हमें अच्छी मिलती है। सैफ्लावर के फ्लावर से ये सीड्स एक्सट्रैक्ट होते हैं और ये सीड्स होते हैं वाइट कलर के। सैफ्लावर सीड्स आर ओरिजिनली वेरी हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड गुड फैट्स। इसी के साथ साथ विटामिन ई की मात्रा भी सैफ्लावर ऑयल में सबसे ज़्यादा है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। स्पेशली ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का परसेंटेज भी इसमें सबसे अच्छा है। सो दिस सैफ्लावर ऑयल या करड़ई से तेल इज नोन एज हेल्दी हार्ट ऑयल। इजंट इट वंडरफुल? सो आप देख सकते हैं, दिस इज माधवबाग वेलनेस प्रिपेयर्ड स्पेशल कोल्ड प्रेस्ड करड़ई से तेल या कोल्ड प्रेस्ड सैफ्लावर ऑयल। ओहियो यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया था कि सैफ्लावर ऑयल HbA1c का परसेंटेज कम करने में उपयोगी है। ऑफ कोर्स इसमें और ज़्यादा रिसर्च होना बाकी है, बट यस, दिस स्टडी गेव द आउटपुट कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कम करने के लिए सैफ्लावर ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है। अलोंग विद दैट, हाइपर कोलेस्टेरोमिया यानी हाई कोलेस्टेरॉल लेवल्स की कंडीशन में सैफ्लावर ऑयल में जो बहुत दो अच्छे इंग्रेडिएंट है, ऑलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड, इनकी मात्रा इसमें काफ़ी अच्छी है, तो कोलेस्टेरॉल कम करने के लिए सैफ्लावर ऑयल का यूज़ हम सभी कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स आप सभी को पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी अपने शरीर के ब्लड वेसल्स के अंदर जो चिकनापन जमा होता है और उसकी तरह से जो ब्लॉकेजेस फॉर्म होते हैं और उसकी वजह से हमारी जो नेचुरल ब्लड वेसल जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है ये कठिन बन जाती है, हार्ड बन जाती है, तो एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशंस में भी सैफ्लावर ऑयल या करड़ई सा तेल इज द राइट ऑप्शन की जो हम रेकमेंड करते हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स इस ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट कितना है अगर आप ऐसे मुझे पूछेंगे, सो यस, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑयल कि जिसका स्मोकिंग पॉइंट है यानी बर्निंग पॉइंट है अराउंड 262 डिग्री सेल्सियस, यानी कंपेयर टू मार्केट में जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम ये कोल्ड प्रेस्ड सैफ्लावर ऑयल का कंपैरिजन करते हैं तो इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है ये करीबन 100-120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। एंड यस, माधवबाग वेलनेस में हमने पूरी केयर की है कि वाइल सिलेक्टिंग द सैफ्लावर सीड्स, इनका जो ओरिजिन है वाइट सैफ्लावर सीड्स, वही हमने इसमें सिलेक्ट किए हैं। एंड यस, कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी की जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं, द थिकनेस ऑफ द ऑयल एंड द प्योरिटी ऑफ द ऑयल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि जो माधवबाग वेलनेस में हमने ये सारे फैक्टर्स मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए हैं। तो यस, अगर हार्ट की कंडीशंस हैं, अगर कोलेस्टेरॉल की प्रॉब्लम है, अगर एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इन सभी कंडीशंस में अगर आपको कुकिंग ऑयल का ऑप्शन आप सर्च कर रहे हैं तो सैफ्लावर ऑयल या करड़ई से तेल ये परफेक्ट चॉइस है आप सभी के लिए। खाली एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ऑयल पित्त को बढ़ाता है, दिस इज़ पित्त प्रकोपक ऑयल, तो इसका इस्तेमाल अगर हम विंटर सीज़न में करेंगे यानी सर्दियों के मौसम में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा ये बेनिफिशियल होता है। एंड यस, सारे के सारे ऑयल्स आपको पता हैं कि जैसे सेसमे ऑयल हैं, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सैफ्लावर ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, ये सारे ऑयल्स की जो रेंज है दिस इज़ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यानी कच्ची घानी वाले तेल या वुड प्रेस्ड ऑयल। तो पूरी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमने आपके लिए तैयार की है विद टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस ऑफ मेंटेनिंग द प्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। थैंक यू।